सर देखें, सोलर की जो प्राइसेस है ना, वो पहले के नस्बत अब समझ लें आसमान से जमीन पर गिरी हुई है। 9% के ऊपर हमारा जो है वो उनसे मुआहदा हुआ है मेजान बैंक से। 9% जी हो गया। किस चीज का मुआहदा हो गया भाई? जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने घर में 10 किलो का सिस्टम लगाना है, 13 लाख रुपए की कॉस्ट बनती है हमारे पास से, हम आपका केस अप्रूवल करवा के दे देंगे। मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आप लोग सोलर पैनल आके लगाएं, और ये वक्त है परचेजिंग का। शायद आने वाले वक्तों के अंदर कि टैक्सेस वगैरह लगने की अफवाहें और बातें उड़ रही हैं, क्या पता लग जाए। 3 आर्टिकल मेरे मौजूद है इस टाइम पे, 565, 575, 580, तीनों के तीनों बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर है। 555 के अंदर जे देखे, ये लोगों की डिमांड होती है फरमान में, ये डेट वाला माल चाहिए हमें। अच्छा, तो ये डेट वाला माल आ गया बॉस। आप लोग की डिमांड होती थी कि डेट वाला माल, फरमान में आपके लिए डेट वाला माल मंगा दिया। जबरदस्त यार, जिनको 555 वॉट करीब लेके जाए, करीब लेके जाए। लोग बात क्या करते हैं, कोई इसके अंदर सामान जो होते हैं ना वो निकाल लेते हैं, फिर वो अलग से बेचते हैं। अच्छा जी जी, मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान होता है इसके अंदर, क्योंकि एक जगह से शिकायत आई है, तो इस वजह से करके दिखाना पड़ रहा है भैया। भाई ये है नाइट्रॉक्स 6 किलो वाट। इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, ये इसकी कैटलॉग होगी इस तरह की, और ये इसका वारंटी कार्ड होता है इसके अंदर पीछे रखा हुआ है, इसमें कंप्लीट 5 ईयर्स की वारंटी लिखी हुई है। सही हो गया। ये इसका जो है वाईफाई डोंगल होगा, ये लोग 25,000-30,000 का बेचते हैं अलग से, ये कंपनी साथ देती है भैया, ख्याल रखिएगा। बाकी इसका ये ऑन ऑफ का स्विच है, सही हो गया। या तो फुल रिव्यू करा दिया भाई तुमने। बिल्कुल, ये हो गया सर इसका जनरेटर वाला लोड जो है। अच्छा, ये इसका मेन लोड हो गया, सही हो गया। ये सोलर का इनपुट 1, 1 PV, 2, ये बैटरी प्लस और माइनस। नाइट्रॉक्स IP65 है, ये जिस बंदे ने लगा लिया उसकी जान छूट जाती है। ये ऑन ग्रेड जो होता है ये नेट मीटरिंग में यूज होता है, के इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ना इस पे कराची में अप्रूवल दे देते हैं। इस पे 19 पैनल आप लगा सकते हैं 550 वॉट के, इसके अंदर बैटरीज नहीं लगती, और अगर लाइट जाएगी तो ये सिस्टम शट डाउन हो जाता है। जो मस्जिद वाले हैं, मतलब के जो चाहते हैं कि यार हम लोग सोलर लगा लें, हमारे पास मान भाई इतनी रकम जमा हो गई और इतनी रकम की हमें और जरूरत है, तो वो आए मेरे पास, इंशाल्लाह कोई अच्छा फैसला करेंगे। जबरदस्त, ये भी गुड है यार, जबरदस्त। 12 किलो वाट भी इनके पास मौजूद है स्टॉक में, और तमाम ही है तकरीबन आइटम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 6 किलो वाट से लेकर 100 किलो वाट तक की सारी हमारे रेंज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरमान, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत खैरियत से, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। फरमान आज क्या खुशखबरी सुना रहे हो सोलर पैनल के हवाले से, कुछ रेट वगैरह कम हुए? सर देखें, सोलर की जो प्राइसेस है ना वो पहले के नस्बत अब समझ लें आसमान से जमीन पर गिरी हुई है। अच्छा, सही हो गया। और अगर इस वक्त में भी आपका एंड यूजर वो सोचेगा कि यार मैं अभी नहीं आता, अभी मैं इंतजार करता हूँ, तो फिर उसकी अपनी गलती है। बिल्कुल सही हो गया। मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आप लोग सोलर पैनल आके लगाएं, और ये वक्त है परचेजिंग का, क्योंकि शायद आने वाले वक्तों के अंदर कि टैक्सेस वगैरह लगने की अफवाहें और बातें उड़ रही हैं, क्या पता लग जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। क्या पता एक दिन के अंदर बढ़ जाए, क्या पता 2 दिन के अंदर बढ़ जाए, क्या पता कल बढ़ जाए। तो टैक्स अगर लग जाता है तो ठक करके 18% टैक्स लगेगा। 18% का मतलब पता है क्या समझते हैं आप? कम से कम 18 रुपये पर वॉट पैनल बढ़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा यार। तो जब 18 रुपए टैक्स लग जाएगा तो आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे, इससे बेहतर है कि सर इंतजार ना करें और सोलर पैनल को परचेज करें। बिल्कुल, ये वक्त सही है, अवेल करें। सर अगर लग गया तो फिर मुश्किल बन सकती है, और अगर लोग ये सोच रहे हैं कि यार मजीद नीचे आएगा, सर यार 49.50 रुपीज के ऊपर बिकना शुरू हो गया पी टाइप। ओए हो, ये किसके रेट दे दिया भाई आपने? कौन सा पी टाइप? पी टाइप के अंदर हमारे पास जो आपको मिल जाएगा जे दे देंगे हम आपको 49.50 रुपीज के अंदर खुले। वाह यार जबरदस्त। और कौन कौन से आर्टिकल? 565 है मेरे पास अवेलेबल अब इस टाइम जे के अंदर, 550 मिल जाएगा आपको ए ग्रेड टीयर 1 ऑल डॉक्यूमेंट्स। सही हो गया जी, इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा। देखें 565 के अंदर 2 नंबर पैनल भी आया हुआ है, तो 500 आप वेरिफिकेशन के साथ दिखा जाए, जिससे भी ले यार मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ भैया, ना मैं आपका कोई दोस्त हूँ, साफ सीधी बात है, मैं साफ सीधी बात करूंगा, कहीं से भी लो चेक करके लेना पैनल को। सही हो गया। अच्छा, हाईमो 6 के अंदर भी भैया 2 नंबर ही बहुत आ गई है, जैसे कि जो 585 का पैनल है ना उसके वॉल्ट्स के अंदर बहुत फर्क है 12,580 के अंदर। अच्छा। जी आप कहीं से भी लें भैया, ये सारी चीजें चेक करके लें,
ऐसा ना सोचे कि यार फरमामी ने कहा था कि ले लो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ 580-575 बेस्ट है, 580 और 595 के ऊपर जाएंगे तो आप हमें नुकसान करेंगे। वैसे फरमान लगता है कि कुछ आवाज़ें ये भी हैं कि 1-2 रुपए पर वाट जो है रेट ऊपर हो रहे हैं सर। असल में हुआ ये था कि अभी आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर खबरें चलती हैं तो फिर लोग उस पर अमल भी करते हैं फटाफट करके। जैसे ही पता लगा कि टैक्स लगने वाला है, टैक्स की आवाज़ें आई तो लोगों ने, कुछ ने बोला यार ये फेक है, कुछ ने बोला यार ये होने वाला है, कुछ ने कहा कुछ हो सकता है, बल्ला आलम अल्लाह पता जानता है कि होने क्या वाला है, क्योंकि मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आया क्या हो सकता है, क्योंकि होना तो है कुछ ना कुछ, या लगेगा या नहीं लगेगा। बातें जो चल रही हैं IMF के साथ, IMF ने बोल दिया ये वो, अल्लाह आलम अल्लाह पता जानता है क्या होने वाला है। मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है मेरे पास भी, तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ आगे के लिए कि यार आप अपने जरिए से पूछ लो, क्या पता लगने वाला हो। अगर आपका कोई है अच्छी पोस्ट के ऊपर, कोई जानने वाला, अगर पता लगे तो मुझे भी कंफर्म कर देना यार, मगर लगने वाला है ये लोग कहते हैं। तो भाई लोगों के थोड़ा परचेजिंग चेंज हुई तो इम्पोर्टर ने थोड़ा सा रेट ऊपर करा दिया, जो इम्पोर्टर हमें 54 रुपए का दे रहा था MO6 वो उसने 55 रुपए का कंटेनर कर दिया। अच्छा जी, तो अभी आप रिटेल क्या कर रहे हैं सर? हम तो आपको बताए अपने आपके एंड यूजर के लिए कंटेनर वाला रेट देते हैं, एक पायलट एक पैनल ले चाहे वो एक पायलट ले, फिर 55 रुपए का रेट सर। 55 रुपए IMO6 मौजूद है सर? बिल्कुल मौजूद है, 565-575 वॉट सही हो गया, और 565 वॉट भी मिल जाएगा आपको, 570 और 580 तीन आर्टिकल में मौजूद है इस टाइम पे, 565, 575 और 580 तीनों के तीनों बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर है, 55 रुपए पर वॉट जी। और जो 585 है ना वो आपको 54 रुपए पर वॉट दूंगा, मगर मेरे पास मिल जाएगा कम भी पैनल, उससे ज्यादा नहीं है मंगवा दूंगा आपको, ऐसा इशू नहीं है। ये वैसे वैलिड कितने दिन के लिए है सर? चलेंगे अभी तो जब तक है रेट, अभी डॉलर के ऊपर है, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा, नीचे आएगा तो नीचे होगा। 285 के डॉलर के ऊपर, 280 से 285 के डॉलर के ऊपर मेरा यही रेट रहेगा। अच्छा यही रेट रहेगा। अच्छा इसके अलावा आपके पास कौन सा आर्टिकल है सर? इसके अलावा जिंको पड़ा में बस 555 के अंदर, जे देखे ये लोगों की डिमांड होती है, फरमान भाई ये डेट वाला माल चाहिए हमें। अच्छा तो ये डेट वाला माल आ गया बॉस, आप लोग की डिमांड होती थी कि डेट वाला माल, फरमान मैंने आपके लिए डेट वाला माल मंगा लिया। जबरदस्त यार, गुड, ये भी टियर वन ही है ना सर? एक ग्रेड टियर वन और डॉक्यूमेंट्स के साथ है। इसके अलावा इसके पीछे रखा हुआ बेटा, इधर इसके अंदर आपको वो मिल जाएगा, इधर आ जाए सर। जी जी, ये आ गया सर जिंको पी टाइप, सही होगा। पीछे से देखें, पीछे से देखें, पीछे से देखें, यहाँ से आप जिंको 555 वॉट करीब लेके जाए, करीब लेके जाए, बिल्कुल 555 सही है। पी टाइप ये हम आपको देंगे सर 52 रुपीज पर वॉट के अंदर, जबरदस्त। पी टाइप का पैनल है ये भी, सही हो गया। जे का मैंने आपको रेट दिया है 49 रुपीज 50 पैसे का रेट। अच्छा सही हो गया, जबरदस्त रेट दे रहे हो यार, सही हो गया। और इसी के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह जो है हमारे पास इसके अलावा आपको दिखाने के लिए जो आप जिसमें शायद आज खुश भी हो जाएंगे वो है नाइट्रॉक्स। नाइट्रॉक्स बेटा ये निकालना, IP65 ये है सर, नाइट्रॉक्स। नाइट्रॉक्स सही हो गया, हॉट आइटम है ये, हॉट केक आइटम है सर, हॉट केक आइटम है, बिल्कुल। अरे आज अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हो क्या हमारे नाजरीन को? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। हाँ तो पता तो लगे आखिर है क्या यार। बिल्कुल यार, असल में बात ये लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग क्या करते हैं कोई इसके अंदर सामान जो होते हैं ना वो निकाल लेते हैं फिर वो अलग से बेचते हैं। अच्छा जी जी, मैं दिखाता हूँ क्या क्या सामान होता है इसके अंदर, क्योंकि एक जगह से शिकायत आई है तो इस वजह से करके दिखाना पड़ रहा है भैया, माजरत के साथ। सही, हमारे पास से अल्लाह का शुक्र है, अगर आप पैक करके पीस लेके जाओगे तो घर जाके बात भी बोलोगे ना भैया नहीं निकला, वैसे तो हमारी कोशिश होती है हम चेक करा के दें भाई। ये है नाइट्रॉक्स 6 किलो वाट, इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, ये इसकी कैटलॉग होगी इस तरह की, और ये इसका वारंटी कार्ड होता है इसके अंदर पीछे रखा हुआ है, इसपे कंप्लीट कंप्लीट 5 इयर्स की वारंटी लिखी हुई है। सही हो गया, ये इसका जो है वाईफाई डोंगल होगा, ये लोग 25,000-30,000 का बेचते हैं अलग से, ये कंपनी साथ देती है भैया, ख्याल रखिएगा क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोग बोलते हैं यार फरमान भाई यार वो उसने तो नहीं दिया था, आप दे दो। फरमान ये तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया यार तुमने। यार बिल्कुल ऐसे ही, अब लोगों को बुरा लगता है मैं क्या करूं? नहीं बुरा लगने दो, जो बुरा मानने वाले उनको मानने दो भाई। अच्छा देखिए इसके अंदर ये कनेक्टर्स निकलते हैं, सबसे पहले एक, ये दो कनेक्टर्स निकलते हैं इसके अंदर, इसके अलावा ये इसके रावल बोल्ट होते हैं जो इसको हैंग करते हैं, ये इसका डेटा मैनेजर हो गया इसके साथ जो लगेगा,
और ये इसकी सिटी होती है। वाह यार सही हो गया, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। एक चीज और रह गई है वो मैं आपको दिखा दूं जिस पे ये लगता है। वाह यार चलो भाई यहाँ रखो अब इसको। अच्छा जी सर ये इसकी प्लेट होती है। अच्छा सही हो गया, इस पे रावर बोल्ड लग के यहाँ से इस पे हैंग हो जाती है बहुत इजीली। सही हो गया, ये इसके नट लगा हुआ इसलिए यहाँ से भी निकलेगी नहीं है। बाकी इसका ये ऑन ऑफ का स्विच है। सही हो गया, ये फुल रिव्यू करा दिया भाई तुमने। बिल्कुल ये हो गया सर इसका जनरेटर वाला लोड जो है। अच्छा ये इसका मेन लोड हो गया। सही हो गया, ये सोलर का इनपुट एक, 1 PV 2, ये बैटरी प्लस और माइनस। जबरदस्त, और ये क्या चीज है सर? ये सोलर पीवी है ना सर? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ सोलर पीवी लगती है इसके अंदर। ठीक 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 सही हो गया सर, जबरदस्त। बाकी बेहतरीन चीज है ये नाइट्रॉक्स IP65 है। ये जिस बंदे ने लगा लिया उसकी जान छूट जाती है। इसको जरा आगे से भी दिखाएं सर। बिल्कुल दिखाएंगे आगे से, क्यों नहीं दिखाएंगे आपको। जबरदस्त यार वाह। वैसे इसके प्राइस क्या है, आप जरा सा कोट कर दोगे सर? ये आपको पड़ेगा 3,50,000 रुपए का। 3,50,000, ये नेट मीटरिंग में तो काम आएगा सर? ये लाहौर में होती है नेट मीटरिंग इसकी, कराची में नहीं होती क्योंकि कराची के अंदर थ्री फेस के ऊपर नेट मीटरिंग नहीं होती। वो थ्री फेस पर नेट मीटरिंग होती है, सिंगल फेस पर नेट मीटरिंग होती है। बेटा 10 kW सिंगल पीस है, ये सिंगल फेस होता है सर। ये जो सिंगल फेस होता है ना उस पर नेट मीटरिंग अलाउ कराची में नहीं है, थ्री फेस पर नेट मीटरिंग अलाउ होती है। 3,50,000 का इन्वर्टर है ये, पूरे पाकिस्तान में कोई कहीं मंगाएगा हम उसको बिल्टी शेयर करेंगे डायवो की, जिसमें ट्रैकिंग भी होगी और उसकी इंश्योरेंस भी होगी। बिल्कुल, अगर पीस इसका नहीं पहुंचेगा तो हम दूसरा पीस देंगे। अच्छा फरमान थोड़ा सा तवज्जो ये दिलाना कि IP65 ये कौन सा, कितने किलोवाट पर था? ये 6 kW था। 6 kW, इसमें से क्या चीजें गायब हो सकती हैं ये जरा सा बता सर। देखिए इसके सबसे पहले होता है वाईफाई डोंगल जो होता है ना सर, गायब हो जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सर 30,000 रुपए का वाईफाई डोंगल है सर इसका। ओए होए 30,000 रुपए यार जी, ये वाईफाई डोंगल होता है लोग उसको गायब कर लेते हैं। ओ हो ये फिर वो कहते हैं कि अलग से परचेस करो। अलग से परचेस करो, वाह यार कंपनी इसको अलग से साथ देती है सर। बताओ यार सही हो गया। इसके अलावा आपको नाइट्रॉक्स 10 kW ऑन ग्रिड। अच्छा ये ऑन ग्रिड है, ये थ्री फेस का जो आपकी ख्वाहिश हो रही थी वो दिखा दो, तो जी, वो भी दिखा देते हैं सर। जबरदस्त, आज तो फरमान दिल खुश कर दिया तुमने यार, और ऑडियंस भी बहुत खुश होगी यार। सर हमारी तो हर कोशिश होती है कि आपकी ऑडियंस को खुश रखें, आपको खुश रखें। जजाक अल्लाह भाई, क्या बात है फरमान। ओहो क्या आवाजें आ रही हैं भाई सर, खुलने की आवाज है ना सर। बात किया अब जब आप ये देखें, सबसे पहले ऊपर वारंटी कार्ड निकलता है। ठीक सही हो गया, ये इसका वारंटी कार्ड हो गया, ये इसका डेटा शीट हो गया, इसके यहाँ सारी चीजें होती हैं मौजूद, किस तरह लगेगा क्या है, इसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं, क्या क्या चीजें A to Z इसके अंदर लिखा हुआ होगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो इसमें नहीं लिखी होगी। वारंटी कार्ड पर भी वारंटी किस किस तरह होगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो भी लिखी होंगी, इसी से खास ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया वैसे इसी के अंदर वाईफाई डोंगल निकला ये आपके सामने डब्बा ओपन करने के बाद। सही हो गया, सेम टू सेम चीजें इसी के अंदर ही वही चीज निकलेंगी, बट ये क्या है, ये ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड है ये, थ्री फेस ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड का थोड़ा सा बता भी दें कि ऑन ग्रिड क्या चीज है। ऑन ग्रिड के अंदर बेटा सब पैकेज वापसी रख दो, एक मिनट से थोड़ा सा मुझे दिखाना दो। ये ऑन ग्रिड जो होता है ये नेट मीटरिंग में यूज होता है। के इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ना इस पे कराची में अप्रूवल दे देते हैं। ठीक, इस पे 19 पैनल आप लगा सकते हैं 550 वॉट के, इसके अंदर बैटरीज नहीं लगती और अगर लाइट जाएगी तो ये सिस्टम शट डाउन हो जाता है, क्योंकि इस सिस्टम को 2 sources चाहिए होते चलने के लिए, ये सिंगल सोर्स पे नहीं चलता। ठीक। अच्छा फरमान 10 kW IP65 के बारे में, उसके रेट के बारे में बताओ सर। 10 kW IP65 3.5 lakh रुपए का है। 3.5 lakh रुपए जितने का 6 kW हाइब्रिड है। अच्छा जी वाह यार, तो असल में उसमें बैटरीज नहीं लगती, सबसे बड़ी वजह ये है बैटरीज ना लगने की वजह से उसके अंदर ये होता है। अच्छा एक और सवाल है यार जो दिमाग के ऊपर चोट मार रहा है ना, वो ये बताओ कि दुबई वाले जो माल आ रहे हैं, जो बैगेज वाले माल जी, क्या उसमें वाईफाई डोंगल वगैरह होता है? सर अक्सर होता है कि वो निकाल लेते हैं, जो खेप के जरिए आता है माल वो निकाल लेते हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो ये तो लॉस है ना यार। बिल्कुल ऐसे ही है सर, वो अक्सर निकाल लेते हैं लोग।
जैसे कि अभी एक पीस मैंने सुना था कि यार उसकी फरमान भाई यार मेहरबानी होगी, एक दोस्त ही हमारा उसने लिया था 12 किलोवाट, तो उसकी पीछे से बोनी निकली थी उसके अंदर से प्लेट ना, वो निकाल ली थी उन्होंने, पता नहीं किस पर अल्लाह अल्लाह, उसमें वाईफाई डोंगल भी नहीं निकला, तो वो उसको कहीं से अरेंज करवा के दी मैंने कंपनी से। ये हुआ तो काफी कॉस्टली पड़ गया होगा सर, वो हमने तो चाइना से मंगवा के दे दी थी उसको, ऐसा कोई मसला नहीं है दोस्त के जरिए, तो हो गया था काम। जो आज मेन मकसद था मेरा वीडियो बनाने का, मेरी माशाल्लाह कुछ टाइम से काफ़ी दिनों से बैंक वालों से बातचीत चल रही थी, बैंक मिजान बैंक से और बैंक अल अबीब से, तो 9% के ऊपर हमारा जो है उनसे मुआहदा हुआ है मिजान बैंक से, 9% जी हो गया। किस चीज़ का मुआहदा हो गया भाई? जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने घर पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, 13 लाख रुपए की कॉस्ट बनती है हमारे पास से, हम आपका केस अप्रूवल करवा के दे देंगे। बहुत सारे लोगों का इश्यूज आ गए थे, फरमान भाई पैसे नहीं हो पा रहे यार, बिजली के बिल बहुत है, कुछ ना कुछ हल निकाले हल निकाले हल निकाले, तो अब जाके हल निकला है भैया, जो हमने इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमने वो निकाल दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे पैकेजेस वगैरह देंगे आपको कि इस पे क्या मार्कअप लगा रहे हैं, इस पे कितना बन रहा है, इस पे क्या बन रहा है, मगर भाई मैं आपको फिर मशवरा दूंगा यार, अगर आपको बजट नहीं बन रहा तो लगवाना, वरना बैंक से काम मत करना। जबरदस्त, 1 साल का पीरियड है, 1.5 साल का पीरियड है, 3 साल का पीरियड है, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उस तरह आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। सही सही हो गया सर, लेकिन एक लोगों के पास एक ऑप्शन है ना, ऑप्शन दे दिया है, बात ये लोगों की मजबूरी थी यार, बात ये मैं तो सख्त खिलाफ हूँ बैंक के सूद के, मगर बात ये कि लोग बोलते हैं यार, बड़े लोगों से बहस भी हुई है मेरी कि फरमान भाई मिजान बैंक तो कर देता है, वो तो इस्लामिक बैंक है और ये है वो, मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा है और ये है, मैं बोलता हूँ यार चले सही है, बस आप लोग बोलते हैं तो मैं दे देता हूँ, मुझे बेचने में कोई मसला नहीं, मेरा तो माल बिक रहा है, मुझे बैंक पैसे देगा और आपको बैंक आपसे किससे लेगा, बैंक जाने आप जानो मैं जानू आप जाने, बात खत्म हो गई, सर्विस आपको मैंने देनी है बैंक ने नहीं देनी, काम आपका मैं करवा के दूंगा, आपके लिए आसानी है, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो अनाउंसमेंट आप करेंगे वो अगली वीडियो में, अगली वीडियो में पूरे हम डिटेल के साथ देंगे। एक अनाउंसमेंट और है जो मस्जिद वालों के लिए, भाई हमने कुछ अपने पास से जो दोस्त सब आप थे हम सबने मिलके कुछ पैसे जमा करे, जिसके हमने कुछ सोलर पैनल्स खरीद लिए जिसमें हम 2 से 3 मस्जिदों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो सोलर पैनल्स ले लिए हैं इंशाल्लाह, अनकरीब में बैटरीज भी ले लेंगे, तो आप सब दोस्तों से जो मस्जिद के लिए हैं, जो मस्जिद वाले हैं, मतलब के जो चाहते हैं कि यार हम लोग सोलर लगा लें, हमारे पास मान भाई इतनी रकम जमा हो गई और इतनी रकम की हमें और ज़रूरत है, तो वो आए मेरे पास इंशाल्लाह कोई अच्छा फैसला करेंगे उनके साथ। जबरदस्त, ये भी गुड है यार, जबरदस्त। अच्छा, अब तो ये आपने दोनों अनाउंसमेंट कर दिए, इंशाल्लाह इसकी मजीद डिटेल जो है हम अगली वीडियो में चलाएंगे जी जी आने वाले वक्तों के अंदर, मगर ये कि आप लोगों से है कि आप लोग आएंगे तो होगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग बक आए, मतलब अपने इलाके के अंदर से मलीर है, लांडी है, कोरंगी है, अब मलीर के अंदर हमारे नवेद भाई हैं, तो मस्जिदों का माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने उनको दिए अपॉर्चुनिटी कि सर आप अपनी मस्जिद के अंदर खड़े हो और वहाँ के लोगों को बोलेंगे भाई सोलर लगाने के लिए साथ दें हमारा, तो हम साथ देंगे इंशाल्लाह हर मस्जिद का जो हो सकेगा, अल्लाह अगर है इसके अंदर हम जितना साथ देंगे लोगों के लिए उतना हमारा फायदा, और अपने आखिरत भी अच्छी करनी हो, दुनिया भी अच्छा अपने अपने इलाके के जो मुखय्यर हजरात हैं बिल्कुल ऐसे ही है, जो सोच सकते हैं करें बिल्कुल ऐसे ही है, वो जमा करेगा मेरे पास आए, मैं आपके साथ चलूंगा आपकी मस्जिद के अंदर, देखेंगे वहां पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, जो फैसला हो सकेगा हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करेंगे। जबरदस्त, गुड यार, जबरदस्त, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, इसके अलावा छोटे जो सोलर इन्वर्टर सर, ये तो हम रोजाना ही लगाते हैं, जैसे आजकल 2.5 शॉर्ट हुआ है, 1,05,000 रुपए का मिल रहा है भैया ये। अच्छा, 1,05,000 रुपए का हो गया ये, बिल्कुल ऐसी है ये, 75,000 का ये भी शॉर्ट हुआ है आजकल। यूकॉन जो हमने प्राइस बता दे सर, ये आपको 75,000 का पड़ रहा है, 75,000 जी, ये आपको पड़ रहा है 170 का हो गया सर, ये भी शॉर्ट हुआ 170 का बिल्कुल, और ये आपको पता है 90,000 रुपए का है, 90,000 का, ये आपको पता है 1,70,000 रुपए का, ठीक, ये 2,50,000 रुपए का है, 2,50,000 कितने किलो, 6 किलोवाट वेयर ऑन, ठीक, ये आपका 1,80,000 रुपए का है, 1,80,000 रुपए, इसमें तो कोई कीमतें वगैरह नहीं बढ़ी ना, फ्लक्चुएशन वही चल रहा है, वही चल रहा है नॉर्मल। अच्छा, अब आखिरी में थोड़ा सा वो बता दें कि 8 किलोवाट भी है और 12 किलोवाट। अच्छा, ये IP65 जी 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 जी, ये 8 किलोवाट रखा हुआ है, उसी के नीचे 12 किलोवाट रखा हुआ है, जबरदस्त, ये वाला ना, ये 12 किलोवाट है, सही, ये देख लेना नाज़रीन, 12 किलोवाट भी इनके पास मौजूद है स्टॉक में, और तमाम ही है तकरीबन आइटम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 6 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक की सारी हमारे पास रेंज मौजूद है। ठीक,
यार अब आखिरी में आप ये बता दें कि अगर कोई आपसे बाय करना चाहता है या फिजिकली आना चाहता है तो अपने शॉप के एड्रेस, लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे दें। सर मैं आपको आज दे रहा हूँ तीन नंबर ना, ठीक, जिसमें सबसे पहला नंबर है अली भाई का, अलीशा, 03463501823, सही हो गया। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ सैयद अहमद का नंबर, उनका नंबर है 03436732110। उसके बाद जो है वो हमाद का नंबर दे रहा हूँ आपको, हमाद का जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं आपको स्क्रीन दे देता हूँ, 03422152599। ये हमाद, अली और अहमद तीनों का नंबर आ गए। मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 03618154। सर अगर इन तीनों में से कोई कॉल ना उठाए तो आप लोग मुझे कॉल करिएगा, क्योंकि मजीद कस्टमर्स की कॉल मेरे पास आती रहती है, क्योंकि जो आप इनको कॉल्स करते हैं ना ये मुझे अपडेट देते हैं रोजाना, तो वो शीट बन के मेरे पास आ जाती है और मैं उस पर खुद रिव्यू करता हूँ कि क्या मसला है क्या मसला नहीं है। रैंडमली आपको मेरी कॉल लाजमी आएगी, ऐसा नहीं है आपके पास कॉल नहीं आएगी, मैं खुद लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे खुद मिलना चाहते हैं फिजिकली तो आप मेरी दुकान पे आ जाए, हाँ शॉप पर आ जाए, तो मैं आपको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हर बंदे को कोशिश होती है, मान लो आप टाइम दे दें, आप टाइम दे दें, तो मेरी हर कोशिश बंदे से कोशिश है कि मैं सबको टाइम देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप दुकान पर आए, मुझसे खुदा के मिले, जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको फायदा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, ऑल ओवर पाकिस्तान इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं? बिल्कुल ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं, मैं पेशावर गया हुआ था, पेशावर से मैं परसों वापसी आया हूँ। अच्छा जी जी बिल्कुल जी, एग्जीबिशन में गए थे, एग्जीबिशन थी पेशावर के अंदर, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ से अभी वापसी आया परसों इंशाल्लाह। अच्छा रिस्पांस वहाँ पे मिला? सर बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छी डीले करके आए, इंशाल्लाह आपको अच्छा रेट देंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त। जो ये उसी का नतीजा आपको जो 49.52 रेट दिया ये वो ही समझ के दिया आपको, बहुत रीजनेबल रेट आपने। सर हमारी कोशिश होती है कि मार्केट को, मार्केट से हट के रेट निकालें इंशाल्लाह। अगली वीडियो के अंदर आईएमओ 6 ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह बेहतर जो फैसला करे आप लोग सोच समझ के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।